हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? मैं आशुतोष आप लोग के बीच लाए हैं। आज टूल्स के बारे में बता रहे हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल का प्रयोग कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम कैसे यहाँ से फोटोशॉप ओपन करते हैं तो पता ही आप लोग के, स्टार्ट में जाएंगे और एडोब फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे। ये फोटोशॉप आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ध्यान समझना है, सबसे पहले फाइल में जाना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद कोई भी एक पिक्चर चूज कीजिएगा, जैसे कि डी ड्राइव हो गया या कोई भी ड्राइव में से, तो कोई भी एक पिक्चर को यहाँ से हम लोग चूज कर लिए। चूज करने के बाद देखिएगा इसका प्रयोग कैसे, देखिएगा इससे भी हम लोग फोटो कटिंग करके हम लोग अच्छा से बना सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करेंगे तो आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अब जितना देर में इसको काटना चाहते हैं, इसको यहाँ से मान लीजिए कि सेलेक्ट किया, अब इतना निकालना चाहते हैं, यहाँ से मूव टूल पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, पेज का साइज चूज कर लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से 5x7 और ओके कर देंगे। ये पेज आ गया, पेज को इधर साइज पर रख सकते हैं। जब भी पेज को पकड़िएगा तो देखिए अनटाइटल लिखा, वहाँ पर पकड़ के उधर कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके जैसे ही यहाँ से अल्ट दबाकर अगर इसको अगर ड्रैग कीजिएगा तो इसमें हम लोग भी आसानी से फ़ोटो को ला सकते हैं। आ गया। अब इसको छोटा बड़ा भी कैसे करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करेंगे तो यहाँ से आसानी से हम लोग इसके द्वारा माध्यम से हम लोग पासपोर्ट साइज छोटा बड़ा भी आसानी से कर सकते हैं। करने के लिए बताए थे पिछले वीडियो में, अल्ट दबाने के बाद यहाँ से चाहेंगे तो इस तरीका से खींच के भी हम लोग इससे भी फ़ोटो को तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, इसमें राइट क्लिक कीजिएगा, आता है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। एलिप्टिकल का प्रयोग किस लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमको इतने ही भाग को लाना चाहते हैं, क्या करेंगे इतना भाग को हम लोग को हटाना चाहते हैं, यहाँ से दूसरा चेहरा मूव टूल पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फेस को आसानी से ला सकते हैं। फिर देखिएगा इसमें हम लोग मिरर इफेक्ट भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, जब हम लोग वीडियो मिक्सिंग में काम करेंगे तब भी इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से। सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट इनटू पे क्लिक करेंगे और मूव टूल पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे इसको मूव टूल पर ड्रैग करके देखेंगे, देखिए अंदर से है, दिख रहा है ना अंदर कैसे घूम रहा है इसे। अब इसको अगर वीडियो मिक्सिंग हम लोग करेंगे तो हम धीरे धीरे ऐसे इसका पीक को हम लोग निकालेंगे दिखने के लिए कि आराम से निकले ऐसे। इस तरीका से ऐसे धीरे धीरे स्टार्टिंग से ऐसे अंदर की ओर से निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से इसका हम लोग आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये आपका इसका दोनों का प्रयोग करना था। ये सब सिंगल रो, इस सिंगल कॉलम इसका प्रयोग ज़्यादा करना नहीं है, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। आज तक यहीं तक। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।